अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और कहा कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो हम सब भुगतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का जिक्र कर इससे दुनिया सुरक्षित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन जोस से न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। नेताओं से मिलने के क्रम में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि बेटे के प्रेम में डूबी मां ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है, पार्टी के साथ देश को भी बर्बाद कर रही। राहुल गांधी के दफ्तर ने उनकी तस्वीर ट्वीट की है। राहुल के देश से बाहर जाने पर बीजेपी के प्रहार को झेल रही कांग्रेस को इस तस्वीर से नया सहारा मिला है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल अमेरिका के स्पेन में हैं। जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में वस्त्रा 2015 एग्जीबिशन का आगाज हुआ है। टीम वसुंधरा राजे फेयर का उद्घाटन किया, फेयर 30 सितंबर तक चलेगा। बीजेपी संगठन चुनाव के तहत बूथ स्तर पर होने वाली चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई है। 10 अक्टूबर से पहले बूथ और मंडल स्तर के चुनाव करा लिए जाएंगे। मंत्री उन्नत खान ने संगठन के चुनाव को लेकर बैठक की। युवाओं के विकास को लेकर चलाई गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के चित्तौड़गढ़ में शुरुआत हुई है। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने 1400 से अधिक युवाओं को 3 करोड़ से ज्यादा लोन का चेक दिया। जेल में सुनवाई के खिलाफ आसाराम की हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि जेल की कोर्ट में सुनवाई के लिए जारी आदेश को हाईकोर्ट प्रशासन ने वापस ले लिया। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज के भूमिगत खुदाई के दौरान चांदपुर गेट के पास सड़क में दरारें आ गई। दरार के बाद सड़क पर यातायात को रोकना पड़ा। भरतपुर में एक तेज रफ्तार वाली मिनी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक और सवार दोनों के पैर कट गए। गंभीर हालत में इन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में दो बच्चों से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आया है। बदमाशों ने पीड़ित बच्चियों से बयान बदलवाने के दबाव में उनके परिजनों से मारपीट की, जिससे बच्ची समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुंझुनू एसीबी की टीम ने खेतड़ी आबकारी विभाग के पीओ जगमोहन लाल मीणा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। टीम ने 2500 रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी की पीओ को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीकर के एसके अस्पताल में लोगों ने जेब तराशी करते हुए 2 महिलाओं को पकड़ा है। दोनों महिलाएं रिश्ते में मां बेटी हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट भी इस दौरान मौजूद रहे। परबतसर में कैलाश माली की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बारा के टोल मेले में संदिग्ध गतिविधियां रोकने के लिए पुलिस ने मेले परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे पूरा मेला परिसर पुलिस की निगरानी में है। पिछले साल टोल मेले में 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जयपुर में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने साझा रूप से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में चेकिंग के साथ ही वाहन चालकों की मेडिकल जांच भी होगी। भरतपुर के चरुथर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की आंखें चली गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से मुलाकात की। आंखों का इलाज और आर्थिक सहायता के लिए मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भिवाड़ी उत्पादक संघ का 33वां वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में संघ के नए अध्यक्ष ब्रज बिहारी कौशिक ने भी अपना पदभार ग्रहण किया। आयोजन में सभी उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया। बाड़मेर के विवेकानंद सर्किल पर स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में 30 अक्टूबर तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक करने के लिए मेगा बैलून 100 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। झुंझुनू में भगत सिंह की जयंती मनाई गई। शहीद भगत सिंह पार्क में संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन के बाद पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारा में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। भगत सिंह की जयंती पर मंकट सेना एवं मोर्चा के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के लोगों ने वाहन रैली निकाली। भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रतापगढ़ के होमगार्ड जवानों ने खून से पीएम मोदी को खत लिखा, इच्छा मृत्यु की मांग की। होमगार्ड जवानों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चौमू में गाय रक्षा के लिए हवन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने कहा है कि इससे जो भी आय होगी वो गौ रक्षार्थ और गौ सेवा के लिए ही खर्च की जाएगी। सैमसंग ने गैलेक्सी J1S स्मार्टफोन को बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया है, जिसकी भारतीय बाजार में 6300 रूपये कीमत तय की गई है।
झारखंड मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के गरीबों को पर्यटन के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। पर्यटन राज्य की किस्मत बदल सकता है, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी इस बार टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट नहीं कर पाएंगे। इस बार इस शो को बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम होस्ट कर सकते हैं। जॉन अब्राहम इस शो को पहली बार होस्ट करेंगे। जॉन से पहले इस शो को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा होस्ट कर चुके हैं।